ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते एक महीने में मां बेटे और दो अलग अलग युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से मीडिया ने सवाल किया था कि नर्मदा में लगातार डूबने से हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और नर्मदा का जलस्तर सामान्य रखा जाए। इस पर उन्होंने कहा कि हम सभी घाटों का आकलन करेंगे और किस घाट पर किन कारणों से किस तरह से मौत हुई है उसके बाद व्यवस्था करेंगे। पिछले एक माह से ओमकारेश्वर में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। गुजरात के उड़ाना में 31 वर्षीय महिला और उसके बाद 6 वर्षीय पुत्र की डूबने से मौत हो गई है। उसके बाद 18 नवंबर को राहुल विश्वकर्मा कानपुर यूपी की डूबने से मौत, फिर 20 नवंबर को राजगढ़ व्यावरा में रहने वाले युवक दीपक राठौर की डूबने से मौत हो चुकी है, जिसे गोताखोर खोज रहे हैं। मैंने बताया ना कि पहले 10 साल के मृत्यु के आंकड़ों को देखा जाए, किस घाट पर किस वजह से हुआ है, उन कारणों का अध्ययन करने के पश्चात ही घाटों के कैसे हम सुरक्षित घाट के रूप में उसको विकसित कर सकें। इसका कारण नाव में जो पानी है वो अचानक आ जाने की वजह से, डैम का जो पानी आ गया था उस वजह से ये घटना हुई थी। और बाकी जो घटनाएं हैं इसका कारण भी थोड़ा सा पानी का प्रवाह कम ज़्यादा होने से समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब को लोगों ने भी बताया कि इस प्रकार की दिक्कत है, तो कलेक्टर साहब ने चर्चा करने या उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाकी सुरक्षा के लिए हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं रहती है, हम लोग मुनादी करवाते हैं, नगर निगम के कर्मचारी रहते हैं, होमगार्ड रहते हैं। उसके बाद जो अधिकांश जो मौतें हुई बाहर के लोग ही हैं, वो लोग समझते नहीं इस बात को कि यहाँ की पानी की क्या स्थिति, कितना गहरा है, कितना दूर जाना खतरा रह सकता है। इन सब चीज़ों को जब तक वो समझे नहीं वहाँ तक ये सब परिस्थितियाँ बनती रहेगी।